हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम टॉपिक करेंगे सीलिया और फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला की वीडियो देखने से पहले आप बेसल बॉडी की वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें, उसके बाद आपको सीलिया और फ्लैजिला की स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आएगी। फ्लैजिला आर माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व इन द लोकोमोशन ऑफ ए सेल। द वर्ड फ्लैजिला मीन्स वेव। फ्लैजिला जो है वो एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, मोमेंट्स में हेल्प करती है, लोकोमोशन में हेल्प करती है। फ्लैजिलम का मीन से ही व्हीपिंग होता है। फ्लैजिला हैव ए व्हीप अपीयरेंस दैट हेल्प टू प्रोपेल ए सेल थ्रू द लिक्विड। लिक्विड के अंदर किसी भी सेल ऑर्गेनेल को या फिर सेल को मोमेंट जो है वो फ्लैजिला की हेल्प से ही होता है। सम स्पेशल फ्लैजिला आर यूज्ड इन फ्यू ऑर्गेनिज्म एज सेंसरी ऑर्गन्स दैट कैन सेंस चेंज इन पीएच एंड टेम्परेचर। कुछ लोकेशंस के अंदर जो फ्लैजिला होता है वो ऑर्गेनिजम्स के अंदर एज ए सेंसरी ऑर्गन भी यूज होता है और सेंसेशन भी चेंजिंग पीएच और टेम्परेचर के लिए वो शो करता है। देयर आर फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स फाउंड इन द आर्की, बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स। फिलामेंट्स की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं यहाँ वो ज़्यादातर आपके आर्कीज के अंदर भी, बैक्टीरिया के अंदर भी और यूकैरियोट्स सभी डोमेन्स के अंदर देखने को मिलती है। अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकती हैं, ग्रोथ स्टेज अलग हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस क्या है, हर एक डोमेन्स के अंदर आपको फ्लैजिला स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलती है। आर्की फ्लैजिला आर नॉन होमोलोगस। जो आर्कीज के अंदर फ्लैजिला होता है वो नॉन होमोलोगस स्ट्रक्चर्स का होता है, उनका ओरिजिन सेम नहीं होता है। बैक्टीरिया के अंदर अगर आप बात देखते हैं तो बैक्टीरिया के अंदर जो फ्लैजिला होता है वो क्वाइल्ड होता है, थ्रेड लाइक अपीयरेंस शो करता है, जो उसका बेंड है वो बिल्कुल शार्प होता है, उसके अंदर रोटरी मोटर्स होते हैं, बेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिलकर वो बनता है। मोटर्स के ऊपर एक साफ्ट होता है, बेस से ऊपर एक साफ्ट आता है। साफ्ट एग्जिस्ट बिटवीन ए हुक एंड ए बेसल बॉडी। बेसल बॉडी और हुक के बीच के रीजन को हम साफ्ट बोलते हैं, जिसके अंदर प्रोटीन्स की रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। और वो रिंग्स कहाँ पर होती हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती हैं, क्योंकि जो फ्लैजिला होता है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होता है। यूकैरियोटिक फ्लैजिला आर कॉम्प्लिकेटेड सेलुलर प्रोजेक्शंस दैट प्यूमूल बैकवर्ड एंड द फॉरवर्ड एंड आर फाउंड इन द प्रोटिस्ट सेल्स, गैमेट्स ऑफ द प्लांट्स एंड द एनिमल्स, और ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर वो बनता है। यूकैरियोट्स के अंदर जो फ्लैजिला है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनता है, और जो बैक्टीरिया के अंदर है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिलकर बनता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द बैक्टीरियल फ्लैजिला एंड द यूकैरियोटिक फ्लैजिला। और यहाँ पर जो फ्लैजिला होता है यूकैरियोट्स के अंदर वो कॉम्प्लिकेटेड भी ज़्यादा होता है एज कंपैरिजन टू द बैक्टीरियल फ्लैजिला। इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव कर चुका है, इसका भी इवोल्यूशन हुआ है साथ साथ में। फ्लैजिला की स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करते हैं, बैक्टीरियल फ्लैजिला स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, तो एक हेलिकल सी स्ट्रक्चर होती है, फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिलकर बनता है। थ्री पार्ट्स होते हैं, बेसल बॉडी, हुक एंड द फिलामेंट्स। बेसल बॉडी की अगर हम बात करते हैं तो हमने आपको स्ट्रक्चर बिल्कुल पहले करवा दी है, बेसल बॉडी की स्ट्रक्चर्स उसके वीडियो के अंदर, तो आप उसमें अच्छे से देखना। इट इज अटैच्ड टू द सेल मेम्ब्रेन एंड द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ये बेसल बॉडी के साथ अटैच होता है। इसके साथ साथ इसके अंदर हुक्स के अंदर रीजन्स में रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। रिंग्स सराउंडेड बाई ए पेयर ऑफ प्रोटीन कॉल्ड द मोट बी। मोट बी प्रोटीन्स जो होता है वो जो रिंग्स वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं उन रिंग्स को कवर करके रखता है। रिंग्स कौन सी हैं, एल रिंग, पी रिंग, सी रिंग और एम एस रिंग। एल रिंग जो होती है, मैं आपको एक बार रिंग्स दिखा देती हूँ, ये देखो, ये हमारी एल रिंग है, पी रिंग है, एस एम रिंग्स हैं, सी रिंग्स हैं। ये जो हैं सभी की सभी कहाँ पर हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है। ये देखो हमारी फर्स्ट पॉलीपिड बाई लेयर है सेल मेम्ब्रेन की, तो इसी के अंदर हमारी एल रिंग, पी रिंग, एस एम और द सी रिंग्स प्रेजेंट है। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और ये क्या है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है जो सेल साइटोप्लाज्मा की तरफ है। ये इन बिटवीन रीजन है जिसको हम पेरिप्लाज्म बोलते हैं। इसके साथ साथ इसमें जो मोट प्रोटीन्स हैं वो अरेंजमेंट ये देखो, इसके साथ फ्लीजी प्रोटीन्स जो होते हैं वो एस एम रिंग्स और सी रिंग्स के बीच में होते हैं, और इसके ऊपर भी क्या है, हमारी हुक से स्टार्ट हो जाता है। ये सब कुछ वहाँ है सेल एम्बेडिशंस के अंदर है, और यहाँ पर बेसल बॉडी भी साथ में होती है। तो एल रिंग्स कहाँ पर होती है, आउटर रिंग्स में होती है, एनक्रेज्ड इन द लिपोपोलीसेकेराइड्स लेयर्स एंड द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर ये देखने को मिलती है। पी रिंग्स जो होती हैं वो भी पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के अंदर होती है।
और एंकर करती है उसको, क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकन लेयर बैक्टीरिया के अंदर ही प्रेजेंट होती है, एक एक्स्ट्रा लेयर होती है बैक्टीरिया के अंदर, दैट इज द पेप्टिडोग्लाइकन, जो म्यूकस रीजन की होती है और उसको डेसिकेशन से बचा के रखती है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। तो उसको एंकर करने के लिए पी रिंग्स वहाँ पर प्रेजेंट होती है। सी रिंग साइटोप्लाज्मा को एंकर करके रखती है, नाम से ही है, सी साइटोप्लाज्मा, पी पेप्टिडोग्लाइकन, एल फॉर द लिपोपोलीसेकेराइड लेयर। तो डेसिकिन के जो नाम है वो फर्स्ट लेटर से ही निकाले गए हैं। एम एस रिंग जो होती है एंकर इन द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है उसको बचा के रखती है एस एम रिंग। ये जो मेम्ब्रेन है यहाँ पर, ये रीजन है। पेप्टिडोग्लाइकन के लिए पी रिंग, लिपोपोलीसेकेराइड के लिए एल रिंग और साइटोप्लाज्मा के लिए सी। ये सारे स्ट्रक्चर क्या है हमारी, जो लिपिड्स जो फ्लैजिला बैक्टीरिया के अंदर होता है उसके अंदर ये प्रेजेंट होती है। ये फिलामेंट्स है इसका जिसके अंदर फ्लैजी प्रोटीन होता है जिससे मिलकर ये बनता है। ये हुक रीजन है जो बेसल बॉडी और फिलामेंट्स के बीच का रीजन होता है। फ्लैजिलिन प्रोटीन से ये बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला बनता है। हुक क्या है, इट इज ए ब्रॉडर एरिया प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द फिलामेंट, कनेक्ट करता है फिलामेंट टू द मोटर प्रोटीन इन द डिश। ये फंक्शन होता है हुक का। हुक की लेंथ ग्रेटर होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर। ये स्पेसिफिक अडेप्टेशन हो सकती हैं इनकी। फिलामेंट्स क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो हुक से अराइज होती है, और ये तीनों स्ट्रक्चर्स मिलकर आपस में पूरे फिलामेंट्स और फ्लैजिला की स्ट्रक्चर को कम्प्लीट करती है। बैक्टीरिया के अंदर अगर हम फ्लैजिला के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के फ्लैजिला होते हैं, फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैजिला। मोनोट्राइकस की अगर हम बात करते हैं तो सिंगल फ्लैजिला होता है, एक एंड के ऊपर प्रेजेंट होता है। दीज आर नॉन एज द पोलर फ्लैजिला, वो क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेशन कर सकते हैं। क्लॉकवाइज होता है जैसे हमारी घड़ी की सुइयां चलती हैं, दैट मीन्स क्लॉकवाइज, उससे अपोजिट है दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मोमेंट्स मूव द ऑर्गेनिज्म फॉरवर्ड व्हाइल द एंटी क्लॉकवाइज मूव द इन द बैकवर्ड रीजन। अगर क्लॉकवाइज मूव करेगा फ्लैजिला तो बैक्टीरिया आगे की तरफ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो वो पीछे की तरफ आएगा। तो मोमेंट्स भी क्या है इनके, इनके रोटेशंस के ऊपर ही डिपेंड करते हैं क्योंकि ये काम ही मोमेंट्स के लिए करता है। पेरिट्राइकस की अगर हम बात करते हैं तो सेवरल फ्लैजिला अटैच्ड ऑल ओवर द ऑर्गेनिज्म। पेरी मीन्स कंप्लीट, पूरा उस पूरा जो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया है उसकी पूरी बॉडी के ऊपर। ये देखो ये है पेरिट्राइकस, यहाँ पर कंप्लीट क्या है इसके ऊपर चारों तरफ क्या है फ्लैजिला प्रेजेंट है। ये है मोनोट्राइकस, एक ही रीजन में प्रेजेंट है, एक ही एंड के ऊपर प्रेजेंट है। पेरिट्राइकस के अंदर क्या है, पूरा ऑल ओवर द ऑर्गेनिजम्स के ऊपर वो प्रेजेंट होता है। दीज आर नॉन पोलर फ्लैजिला बिकॉज दे आर फाउंड ऑल ओवर द ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर पोलरिटी पता ही नहीं होती कि एक्सटीरियर एंड कौन सा है या फिर पोस्टीरियर एंड कौन सा है। दीज फ्लैजिला रोटेट एंटी क्लॉकवाइज एंड फॉर्म ए बंडल दैट मूव द फ्लैजिला ऑर्गेनिज्म इन वन डायरेक्शन। जब वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है तो वो क्या है, एक ही डायरेक्शन में ऑर्गेनिज्म मूव करेगा क्योंकि सारे फ्लैजिला एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म का मोमेंट्स भी उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। इफ सम ऑफ फ्लैजिला ब्रेक एंड स्टार्ट रोटेटिंग क्लॉकवाइज द ऑर्गेनिज्म डज नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन एंड बिगिन टंबलिंग। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा या फिर क्लॉकवाइज मूव करेंगे सभी फ्लैजिला एक साथ में, तभी ऑर्गेनिज्म मूव करेगा, या तो बैकवर्ड मूवमेंट होगा या फॉरवर्ड मूवमेंट होगा। अगर कोई जो फ्लैजिला वो टूट गई है और वो हाफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है और हाफ का क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो बैक्टीरिया मूवमेंट करेगा ही नहीं, वो टंबलिंग स्टार्ट कर देगा एक ही लोकेशन के ऊपर, वो वहाँ से टंबलिंग मूवमेंट्स करेगा, उसका डायरेक्शंस में मूवमेंट नहीं होगा। लोफोट्राइकस में क्या होता है, सेवरल फ्लैजिला एट वन एंड ऑफ द ऑर्गेनिज्म और द अनदर। ये देखो ये है लोफोट्राइकस, एक ही लोकेशन पे हैं और बहुत सारे हैं, ग्रुप में आते हैं। ये होता है लोफोट्राइकस, दे आर नॉन एज द पोलर फ्लैजिला एंड कैन रोटेट क्लॉकवाइज एंड द एंटी क्लॉकवाइज। पोलर रोटेशन होती है, ये पोस्टीरियर या एंटीरियर एंड को डिसाइड करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स दोनों हो सकते हैं। क्लॉकवाइज मोमेंट्स के अंदर मूव द ऑर्गेनिज्म फॉरवर्ड और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो जो ऑर्गेनिज्म है वो बैकवर्ड मोमेंट होगा, जस्ट लाइक एज द मोनोट्राइकस। एम्फीट्राइकस के अंदर क्या है, सिंगल फ्लैजिला एट बोथ एंड ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये देखो
ये है एम्फिट्राइकस कि दोनों एंड्स के ऊपर सिंगल सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट है. दे आर नोन एज द पोलर फ्लैजिलम, कैन रोटेट द क्लॉक एंड द एंटी क्लॉक वाइज. क्लॉक वाइज मोमेंट्स होगा तो वो फॉरवर्ड मोमेंट करेगा, एंटी क्लॉक वाइज होगा तो ये बैकवर्ड मोमेंट्स करेगा. तो सेम मोमेंट्स हैं, पोलरिटी सभी में शो करते हैं, सिर्फ एक आपके पेरिट्राइकस को छोड़कर यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स है वो नॉन पोलर फ्लैजिलास के साथ प्रेजेंट होता है, नहीं तो सभी के अंदर मोनोट्राइकस या लोफोट्राइकस एम्फिट्राइकस सभी के अंदर फ्लैजिलास का पोलरिटी शो करता है. यहाँ पर देखो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है इसकी, ये बेसल बॉडी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एल रिंग, पी रिंग, एम एस रिंग और सी रिंग्स प्रेजेंट हैं. ये हुक है और ये आगे क्या है, फिलामेंट्स है. ये फिलामेंट्स का टिप है जिसके ऊपर जो प्रोटीन्स होते हैं वो इसके रिग्रेशंस और इसके ग्रोथ रीजंस को रेगुलेट करके रखते हैं. ये है बैक्टीरियल फ्लैजिलास की स्ट्रक्चर. फ्लैजिला के फंक्शंस की बात करते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म को मुकरवाने में हेल्प करता है, सेंसेशन के लिए एक्ट कर सकता है. सेंसेशन में भी किसको, टेम्परेचर के लिए या फिर पीएच के चेंज के लिए. यूकैरियोट्स के अंदर जो फ्लैजिलास होते हैं वो रिप्रोडक्शन रेट को इंक्रीज करते हैं. रिसेंट रिसर्च प्रूव्ड दैट द फ्लैजिला आर आल्सो यूज्ड एज ए सेक्रेटरी ऑर्गेनिज्म. कुछ जगह रिसर्च में ये देखा गया कि जो फ्लैजिलास होते हैं वो कुछ लिक्विड्स को भी सिक्रेट करके रखते हैं. क्लैमाइडोमोनास के अंदर ये देखा गया है कि वो सिक्रीशन भी करते हैं. सीलियास की अगर हम बात करते हैं, ये हमने जो फ्लैजिला की स्ट्रक्चर पढ़ी है ये बैक्टीरिया फ्लैजिला की स्ट्रक्चर पढ़ी है. अब हम सीलिया की स्ट्रक्चर देखते हैं. माइन्यूट हेयर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए यूकैरियोटिक सेल. जो फ्लैजिला है वो भी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस थे लेकिन सीलिया उससे भी छोटे होते हैं. सीलिया भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रोजेक्शंस होती हैं बट वो माइन्यूट होते हैं कंपैरिजन टू द फ्लैजिला. और आउटर यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उनके आउटर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. सीलिया आर स्मॉल सिलेंडर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ ऑल मेमेलियन सेल या फिर एनिमल सेल्स. दे आर प्रिमिटिव इन नेचर एंड कुड बी सिंगल और मैनी. सीलिया सिंगल भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. सीलिया का मेन रोल होता है लोकोमोशन के अंदर, इसके साथ साथ मैकेनोरिसेप्शन का भी काम करते हैं कि जो मैकेनिकल इंजरीज या फिर बैलेंसिंग जो होता है उसके लिए वो सेंसेशन की तरह एक्ट करते हैं. द ऑर्गेनिजम्स दैट पोजेसिस सीलिया आर नोन एज द सीलिएट्स. जिन ऑर्गेनिज्म के ऊपर सीलिया होते हैं उनको हम सीलिएट्स बोलते हैं. दे यूज देयर सीलिया फॉर फीडिंग एंड मोमेंट्स. वो ऑर्गेनिजम्स अपने सीलिया को या तो फीडिंग के लिए या फिर मोमेंट्स के लिए यूज करते हैं. ये देखो ये है सीलिया के स्ट्रक्चर्स, कितने छोटे से होते हैं और नंबर ऑफ ग्रोथ रेट क्या है इनका, बहुत ज़्यादा होता है जहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं. ये सिंगल भी हो सकते हैं, मोर देन वन भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस जब भी सीलिया की स्ट्रक्चर्स को देखा गया है तो वो ग्रुप में होते हैं, मोर देन वन ही होते हैं. बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ सीलिया की, मोटाइल सीलिया और नॉन मोटाइल सीलिया. मोटाइल सीलिया दीज आर फाउंड इन लार्ज नंबर ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, जो मूव करवाते हैं. ह्यूमन सेल्स के अंदर वो रेस्पिरेटरी एपिथीलियम पर प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो हमारा नेजल चैम्बर है उससे भी के अंदर भी सीलिया प्रेजेंट होते हैं. फंक्शन होता है उनका क्लियरिंग द म्यूकस एंड डस्ट आउट ऑफ द लंग्स. म्यूकस के डस्ट को क्लियर करना और लंग्स के डस्ट को भी क्लियर करने का फंक्शन क्या है, मोटाइल सीलिया का होता है. नॉन मोटाइल सीलिया, प्राइमरी सीलिया आर नॉन मोटाइल सीलिया दैट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द 1898 के अंदर ये देखे गए थे. दीज स्ट्रक्चर्स वर लॉन्ग बिलीव्ड टू बी वेस्टिजियल ऑर्गन्स. पहले इनको वेस्टिजियल ऑर्गन्स यूज किया गया था, बिलीव किया गया था कि पहले तो इनका फंक्शन होता था लेकिन अब नहीं होता है. रिसेंट रिसर्च प्रेजेंट इन द बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्राइमरी सीलिया दैट दे फंक्शन एज द सेंसरी सेलुलर एंटीना दैट कोऑर्डिनेट ए लार्ज नंबर ऑफ सेलुलर सिग्नलिंग पाथवे. आज के टाइम पर दोबारा फिर रिसर्च में ये देखा गया है कि ये जो नॉन मोटाइल सीलिया है वो वेस्टिजियल नहीं है, वो सेंसेशन का काम करते हैं, सेंसेशन सेलुलर एंटीनास की तरह काम करते हैं और सिग्नलिंग पाथवे में हेल्प करते हैं. इसके साथ साथ वो प्रॉपर यूरिन फ्लो है जो क्या सिग्नलिंग है किडनी सेल्स के अंदर, उसके लिए भी नॉन मोटाइल सीलियाज हेल्प करते हैं. मैकेनोरिसेप्टर्स का भी काम करते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स का भी काम करते हैं. सीलियाज का फंक्शन बाई परमिटिंग द ट्रांसफर ऑफ इम्पोर्टेंट पार्टिकल फ्रॉम वन साइड ऑफ द लाइट सेंसिटिव सेल्स टू द अनदर इन द रेटिना. आइज के अंदर भी क्या है वो लाइट सेंसेशन का काम करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स को ट्रांसफर करने का काम करते हैं. वो सब क्या है, नॉन मोटाइल सीलिया का फंक्शंस हैं. वो रूडिमेंट्स नहीं, ये सॉरी
क्या बोलते हैं हम इनको, वेस्टिजियल पार्ट्स नहीं हैं, और मोटाइल सीलिया और नॉन मोटाइल सीलिया दोनों ही फंक्शनल हैं। सीलिया स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करते हैं तो सीलिया आर मेड अप ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल कोटेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। सीलियम कंप्राइज 9 पेयर ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल दैट फॉर्म आउटर रिंग एंड 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो 9+2 के अरेंजमेंट में सीलिया और फ्लैजिला की फॉर्मेशन होती है। इस स्ट्रक्चर्स को हम एक्सोनियम्स बोलते हैं। 9 जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो आउटर पेयर में प्रेजेंट होते हैं और मोटर प्रोटीन डायनेमिन के साथ मिलकर काम करते हैं। लार्जर होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और सीलिया को मूव करवाने में ये प्रोटीन्स और मोटर प्रोटीन्स जो हैं वो हेल्प करते हैं। सीलिया आर अटैच्ड टू द सेल एट द बेसल बॉडी दैट इज मेड अप ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज्ड इन द 9 ट्रिपलेट। जो बेसल बॉडी की स्ट्रक्चर हमने आपको बताई थी कि 9 ट्रिपलेट्स के अंदर प्रेजेंट होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर होती है, उसके साथ सीलिया बेसल बॉडी के साथ अटैच होते हैं। दे आर वेरी माइन्यूट स्ट्रक्चर्स रेंजिंग फ्रॉम द 0.25 माइक्रोमीटर इन द डायमीटर टू द 20 माइक्रोमीटर इन द लेंथ। ये जो सीलिया उनकी स्ट्रक्चर लेंथ होती है और बहुत माइन्यूट सी स्ट्रक्चर्स है जो सीलिया की वो प्रेजेंट होती है। सीलिया के फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट फंक्शन सीलिया का क्या है, लोकोमोशन और सेंसेशन का। इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो सेल साइकिल के अंदर, रेप्लिकेशन के अंदर, डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन एंड द एनिमल्स दोनों के अंदर, ह्यूमन और एनिमल दोनों के अंदर ही वो सेल साइकिल के रेप्लिकेशन में भी हेल्प करते हैं। मल्टीपल सीलिया मूव इन द रिदमिक मोशंस दैट गिव्स द इंटरनल पैसेज वे फ्री फ्रॉम म्यूकस एंड एनी फॉरेन एजेंट्स। जब ये मल्टीपल सीलिया एक ही रिदम में मूवमेंट्स मोशन शो करते हैं तो जो म्यूकस है उसको डस्ट फ्री कर देते हैं और फॉरेन पार्टिकल्स को भी उनका जो उनका मूवमेंट्स है उसको इन्हेंस नहीं करते हैं, उसको रोक देते हैं। ए फ्यू नॉन मोटाइल सीलिया एक्ट एज द एंटीना रिसीव द सेंसेशन, वो सेंसरी एक्शन की तरह काम करेंगे। जो भी एक सराउंडिंग फ्लूइड्स के लिए एक सेंसेशन होता है, सिग्नलिंग होता है, उसके लिए वो हेल्प करते हैं। सीलिया प्रेजेंट इन किडनी बैंड फोर्सफुली एज यूरिन पास। जब यूरिन पास होता है तो किडनी के अंदर जो सीलिया वो बीट करते हैं और यूरिन को पास करवाते हैं। दे सेंड से सिग्नल टू द सेल्स दैट यूरिन इज फ्लोइंग, वो सेल्स को अरेंज इस सिग्नल पास आउट कर देते हैं कि यूरिन फ्लो कर रहा है। नॉन मोटाइल सीलिया जो होते हैं वो फोटोरिसेप्टर्स का भी काम करते हैं इन द आइज। आइज के अंदर जो रेटिना होता है वहाँ पर ये फोटोरिसेप्टर का काम करते हैं। हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मोलिक्यूल फ्रॉम वन एंड ऑफ द अदर, ट्रांसपोर्ट करते हैं मोलिक्यूल्स को एक एंड से दूसरे एंड की तरफ। ये सीलिया के फंक्शंस होते हैं। सीलिया के कुछ डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, जैसे सीलोपैथीज है, प्राइमरी सीलियरी डिस्काइनेसिस है। सीलियोपैथीज के एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें सीलिया की जो स्ट्रक्चर्स होती है बेसल बॉडी और ऑफ द सीलिया फंक्शंस वो फंक्शंस अच्छे से नहीं कर पाते हैं। डिसफंक्शन और डिफेक्ट्स इन द प्राइमरी एंड द मोटाइल सीलिया आर नोन टू कॉज द न्यूमरस डिजस्टिंग जेनेटिक डिजीज होती हैं, उसको हम सीलोपैथीज बोलते हैं, जिसकी वजह से कुछ डिजी प्राइमरी और मोटाइल सीलिया है जो वो फंक्शन नहीं कर पाते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है उनको और वो नहीं कर पाते तो उनको हम सीलोपैथीज डिजीज नाम दिया जाता है। प्राइमरी सीलियरी डिस्काइनेसिस ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है विच जिसके अंदर सीलिया फंक्शन नॉर्मली फंक्शन नहीं करते हैं, जैसे लंग्स के अंदर म्यूकस की कंडीशन है जो उनको प्रिवेंट कर उसको क्लियर नहीं करते हैं, एयर्स के अंदर उसको क्लियर नहीं करते हैं, साइनसिस के अंदर जो म्यूकस है सीलिया उसको क्लियर नहीं कर पाता है, तो उस केस के अंदर हम बोलते हैं उसको प्राइमरी सीलियरी डिसकाइनसिस। अब हम दोनों की हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्ट्रक्चर देखते हैं सीलिया और फ्लैजिला की। हमने जो फ्लैजिला की स्ट्रक्चर देखी थी वो बैक्टीरियाज के अंदर पढ़ी थी, अब हम देखते हैं हायर ऑर्गेनिजम्स में कैसे होती है। और फ्लैजिला एंड सीलिया आर बिल्ट ऑन ए कॉमन फंडामेंटल प्लान, सिर्फ इनकी जो लेंथ होती है उसके अंदर स्ट्रक्चर डिफरेंस होता है बस। बंडल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड द एक्सोनियम एंड इज सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन दैट इज ए पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सीलिया फ्लैजिला के अंदर ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर होता है बंडल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स उसको हम एक्सोनियम बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो कवर होता है या मीन्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होता है। एक्सोनियम इज कनेक्टेड विद द बेसल बॉडी विच इज एन इंट्रा सेलुलर ग्रैन्यूल लाइंग इन द सेल कॉर्टेक्स एंड विच ओरिजिनेट फ्रॉम द सेंट्रियोल। एक्सोनियम बेसल बॉडी के साथ अटैच होता है और बेसल बॉडी सेंट्रियोल से अराइज होती है या फिर माइक्रोट्यूब्यूल से अराइज होती है।
Axoneum is filled with the ciliary matrix in which embedded two central signet microtubules, each with the 13 protofilaments and 9 outer pair of microtubule called the doublet. Their referring motifs is known as the 9+2 era. जो एक्सोनियम है, फ्लैजेला की जो मेन स्ट्रक्चर या सीलिया की जो मेन स्ट्रक्चर है, दैट इज द एक्सोनियम, जो हमें बाहर से दिखाई देती है, उसको हम वो सीलियरी मैट्रिक्स से फिल्ड होता है. उसके अंदर 13 प्रोटोफिलामेंट्स के 9 पेयर्स के साथ प्रेजेंट होते हैं डबलेट की फॉर्म में, दो दो केसेस के अंदर. ये देखो, ये 1, 2 ए और बी डबलेट्स हैं. ये डबलेट्स क्या हैं, 9 प्रेजेंट होते हैं और 2 क्या है, ये सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको 9+2 का अरेंजमेंट बोलते हैं. और ऐसे ऐसे 13 प्रोटोफिलामेंट्स मिलकर क्या करते हैं, एक फ्लैजेला की स्ट्रक्चर कंप्लीट करते हैं. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट है. ये बाहर के जो हमारे डबलेट्स हैं वो प्रेजेंट हैं. एक डबलेट और दूसरे डबलेट को जोड़ने के लिए नेक्सिन हेल्प करता है. डबलेट में भी हमारा ए ट्यूब्यूल और बी ट्यूब्यूल होता है, जिनको हम डबलेट ट्यूब्यूल्स बोलते हैं या माइक्रो ट्यूब्यूल्स बोलते हैं. इनके साथ साथ हमारी क्या है, बीच में क्या है, ये देखो, ये रेडियल स्पाइक्स होते हैं जो सेंटर के साथ इसको जोड़कर रखते हैं. ये सेंटर के माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो प्रेजेंट हैं. इनके पास जो ये एक्स्ट्रा सी ऊपर की तरफ ये कवरिंग से दिखाई गई है, दैट इज द डायनेनिन आर्म्स होती है. नेक्सिन जो डबलेट्स को आपस में जोड़ के रखता है, और डायनिन जो इनसे आगे की तरफ मूव करवाने में इनको हेल्प करता है. और ये क्या है, इसकी सेंट्रल स्पाइक्स हैं जिनके साथ वो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ अरेंज करते हैं, आपस में जुड़ते हैं. तो ये होता है इनका 9+2 का अरे, ये बोलते हैं इसको, अरेंजमेंट भी बोलते हैं कि 9+2 का माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट सीरिया फ्लैजेला के अंदर देखा जाता है. बेसल बॉडी के अंदर ये 9 ट्रिपलेट्स का होता है और सेंट्रल नहीं होता है. तो डायरेक्शन सीरिया की ये मोमेंट्स जो होते हैं इसमें होते हैं. सीलिया और फ्लैजिला की स्ट्रक्चर्स क्या है, हमारी सेम होती है. तो सीलिया फ्लैजिला जो होता है वो बड़ा होता है, इसलिए इसमें ये जो एक्सोनियम है वो बड़ा होता है. सीलिया में ये देखो कि नंबर क्या है इनका, बहुत ज़्यादा होता है. यहाँ तो जैसे पेरिट्राइकस है तो कम्प्लीटली ये एक ही उसके अंदर है, पूरी ऑल ओवर द बॉडी है. और सीलिया का मूवमेंट्स क्या है, इस तरीके से चलता रहता है क्लॉकवाइज. तो अब हम इसकी स्ट्रक्चर को कम्प्लीट करते हैं. ईच डबलेट कंटेन 1 कम्प्लीट माइक्रोट्यूब्यूल कॉल्ड द ए फाइबर्स. और ऐसे ऐसे हमारे पास क्या है, 13 प्रोटोफिलामेंट्स हैं. ए सेल फाइबर कंप्लीट होता है, बी उसके साथ अटैच होता है, जिसके अंदर 10 प्रोटोफिलामेंट होते हैं. ए के पास तो 13 है और बी के पास 10 होते हैं, क्योंकि ये इसके साथ ज्वाइन होता है. ए यहाँ पर है तो बी इसके यहाँ से स्टार्ट होगा. ये 3 कॉमनली शेयरिंग होते हैं. इसके पास ये 13 प्रोटोफिलामेंट होते हैं यहाँ पर, और बी के पास ये क्या है, यहाँ पर 10 आते हैं. और ऐसे ऐसे ये क्या है, 9 अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं डबलेट्स. सब फाइबर ए हैज द 2 डायनेन आर्म्स ए के पास. ये देखो जो ए है, इसकी ए से क्या है, ये डायनेन यहाँ से निकलते हैं, विच आर ओरिजिनेटेड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शंस. डबलेट आर लिंक्ड टुगेदर बाय द नेक्सिन लिंकर्स. ये देखो जो डबलेट्स हैं, ए है, ए से हमारे नेक्सिन्स निकले हैं, ये सॉरी डायनिन निकला है और आगे बढ़े के साथ बीच के साथ जुड़ा हुआ है. किसकी हेल्प से, नेक्सिन की हेल्प से. और ये हमेशा क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शंस के अंदर. ये देखो ए यहाँ प्रेजेंट है, तो इसी साइड में क्या है, हमारे जो डायनिन है वो अराइज हुए हैं. डायनिन क्या करता है, डायनिन इज एन एटीपेस. एटीपी को यूज करके एनर्जी प्रोवाइड करता है, और एनर्जी के थ्रू ही क्या वो फिर फंक्शन कर पाते हैं. डायनिन इज एन एटीपेस दैट कन्वर्ट द एनर्जी रिलीज्ड बाय एटीपी हाइड्रोलिसिस इनटू द मैकेनिकल वर्क बाय सीलियरी एंड द फ्लैजेलर बीटिंग. तो सीलियर फ्लैजेला को बीट करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो डायनिन एटीपी को यूज करके उसको प्रोवाइड कर देता है, एटीपी का हाइड्रोलिसिस करता है. ईच सब फाइबर ए इज आल्सो कनेक्टेड टू द सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल बाय रेडियल स्पाइक्स टर्मिनल ए फोक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्पोक नॉब्स एंड द हेड्स. ये जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये जो हमारी रेडियल स्पोक्स हैं दिखाई गई हैं, इनके बीच में जो ये दिखाई गई हैं, ये स्ट्रक्चर्स देखो जो ग्रीन ग्रीन से दिखाई है ना, ये यहाँ पर ये जो ये सारे क्या हैं, रेडियल स्पॉक्स हैं जो हेड इनके नॉब लाइक स्ट्रक्चर से दिखाई गई हैं. ये क्या है, इनको अरेंज करके रखती हैं. द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स
एंड एसोसिएटेड प्रोटीन्स विद नाइन वे पैटर्न इज आल्सो सीन इन द सेंट्रियोल, और यही पैटर्न जो हमारा सेंट्रियोल्स के अंदर भी देखने को मिलता है। थोड़ा बहुत इनके अंदर डिफरेंसेज होता है बस, बट अनलाइक सेंट्रियोल सीलिया एंड फ्लैजिला इज ए सेंट्रल पेयर ऑफ माइक्रोट्यूबुल। जो बेसल बॉडी है और सेंट्रियोल है, इनके अंदर सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूबुल प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन जो सीलिया और फ्लैजिला है उसके अंदर, जो सेंटर है उसके अंदर अरेंजमेंट में दो माइक्रोट्यूबुल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम 9+2 एक्सोनिम्स बोलते हैं। यूकैरियोटिक फ्लैजिला डाइवर्स फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक इन कंपोजिशन। फ्लैजिला इन यूकैरियोट्स कंटेन फार मोर प्रोटीन्स एंड बियर सम सिमिलरिटी टू मोटाइल सीलिया विद सेम जनरल मोशन एंड कंट्रोल पैटर्न। यूकैरियोट्स के अंदर जो फ्लैजिला होता है और जो प्रोकैरियोट्स के अंदर फ्लैजिला होता है उसके अंदर डिफरेंस होता है। मैंने आपको जिसके अंदर जो बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला है उसके स्ट्रक्चर अलग से आपको बताई भी है। यूकैरियोट्स के फ्लैजिला डिफरेंट और प्रोकैरियोट्स के डिफरेंट होते हैं, जो बैक्टीरिया के अंदर बताई गई थी। अगर हम वर्किंग की बात करते हैं सीलिया और फ्लैजिला की, तो हम यूकैरियोट्स के अंदर देखते हैं यूजिंग ATP प्रोड्यूस्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया नियर द बेस ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला एज ए फ्यूल, द डायनिन आर्म्स पुश ऑन द एडजेसेंट आउटर डबलेट्स फोर्सिंग ए स्लाइडिंग मोमेंट टू ऑकर बिटवीन द एडजेसेंट आउटर डबलेट्स। वो क्या करते हैं, जो डायनिन वहां पर प्रेजेंट होता है, जो ATPase का काम करता है, वो जो माइटोकॉन्ड्रिया ने ATP बनाई है उसका हाइड्रोलिसिस करता है, ATP की फॉर्मेशन होती है, और वो आउटर डबलेट्स जो होते हैं, जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है नाइन्स, उनको फोर्स करता है एक दूसरे के साथ और स्लाइड करने के लिए। जैसे हमारी मसल्स के अंदर मस्कुलर स्लाइडिंग होती है, उसी तरीके से इनके अंदर भी जो डबलेट्स हैं उनके अंदर स्लाइडिंग होती है। बिकॉज द आर्म्स आर एक्टिवेटेड इन ए स्टिच सिक्वेंसिस बोथ अराउंड एंड अलोंग द एक्सोनियम एंड बिकॉज द अमाउंट ऑफ स्लाइडिंग इज रेस्ट्रिक्टेड बाई द रेडियल स्पाइक्स एंड इंटर डबलेट्स लिंक्स स्लाइडिंग इज कन्वर्टेड इन टू द बेंडिंग। हमने जो स्ट्रक्चर्स देखी है इसके अंदर, ये देखो नेक्जिन्स ATPase का काम करता है, ये आपस में फिर स्लाइड करते हैं। स्लाइड रेस्ट्रिक्शंस हैं क्योंकि इसके साथ साथ यहाँ पर क्या है, रेडियल स्पाइक्स प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा स्लाइड नहीं कर पाते कि क्रॉस कर दे, तो सिर्फ एक बेंडिंग का प्रोसेस है जो उसको कर पाते हैं और उसको बेंड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे सीलिया और फ्लैजिला बीट करते हैं। प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करते हैं, तो बैक्टीरिया फ्लैजिला आर यूज्ड ए फंडामेंटली डिफरेंट मैकेनिज्म। बैक्टीरिया के अंदर अलग काम होता है, वो प्रोपेलर ऑफ ए बोट, जैसे बोट के अंदर होता है ना चाकू चलते हैं, उस तरीके से प्रोकैरियोट्स के अंदर बैक्टीरिया जो फ्लैजिला वो मूव करते हैं। मोशन ऑफ ए बैक्टीरियम फ्लैजिलम इज एंटायरली ड्राइवन बाय द रोटरी मोटर एट द बेस। जब हमने बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर देखी थी तो उसके अंदर मोटर प्रोटीन्स लगे हुए हैं, वो जो बेस के अंदर रिंग्स हैं और जो मोटर प्रोटीन्स हैं वो उसमें हेल्प करते हैं। फ्लैजिला, बैक्टीरियल फ्लैजिला इटसेल्फ इज अ स्पेशलाइज्ड पीस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर सेल वॉल मेड अप ऑफ ए प्रोटीन, जो फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं उसके अंदर, और जो ट्यूबुलिन और डायनिन के जैसा सिमिलरिटी नहीं शो करते। सीलिया और फ्लैजिला जो साइटोसोल फुल ऑफ साइटोसोल ऑल द वे टू इट्स देयर टिप एंड यूज ATP इन दैट साइटोसोल टू जनरेट फोर्स All the way along their length। तो उस साइट जो सीलिया फ्लैजिला के अंदर उसमें साइटोसोल प्रेजेंट होता है, उनके टिप्स पे जो होता है वहाँ से वो ATP को रिलीज करते हैं और उसी के थ्रू वो मूव करते हैं। ये देखो सीलिया और फ्लैजिला के स्ट्रक्चर से हैं, जो सीलिया जो होते हैं वो बैकवर्ड और फ्रंट इस तरीके से मूव करते हैं, और ये क्या प्रोपेलर मोशन जो होता है, ये सिर्फ आगे और पीछे इस तरीके से मूव करते हैं। ये मोमेंट्स सीलिया और फ्लैजिला के डिफरेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। ये सारे हमने आपको बता दिए हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स थे ये, इनके फंक्शंस भी आपको बता दिए हैं कंप्लीट। थैंक यू स्टूडेंट्स, किसी का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताना, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो आपको आपके कुछ टाइम के बाद ही मिल जाएगी।